सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरा कोई भी वीडियो आप लोग मिस ना करिए। हेलो मेरे दोस्तों, आज मैं बहुत ही इजी बनाना चिप्स की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही इजी है, तो आप कभी भी अपने घर पर बना सकते हैं। इसका सॉन्ग आपको सुनाई दे रहा होगा, बहुत ही क्रिस्पी बनी है बनाना चिप्स। मैं आज बच्चों के लिए बनाना चिप्स बना रही हूँ, क्योंकि केला में बहुत तरह की विटामिन पाई जाती है, तो बच्चों के लिए विटामिन बहुत ही ज़रूरी होता है, तो आप बनाना चिप्स बनाकर उसको दे सकते हैं, बच्चे आसानी से खा लेते हैं। मैं तो अपनी लाडो के लिए बनाती हूँ बनाना चिप्स, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। 500 ग्राम मैंने ऑयल लिया है, ऑयल को हम मीडियम फ्लेम पर गर्म करेंगे, क्योंकि केला चिप्स के लिए ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। ऑयल जब तक गर्म होता है तब तक मैं केला तैयार कर लेती हूँ। तो दो मैंने बड़ी साइज की केला लिया है, मेरा देसी केला है, इसका मैं छिलका हटाऊंगी। तो जब भी आप केला के छिलका हटाते हैं तो ऐसे ही छिलका मत हटाइए, थोड़ा सा हाथ में इस तरह से ऑयल लगा लीजिए, थोड़ा सा चाकू पर भी। इसके बाद ही आप केला को कट करिए, इससे क्या होगा केला में जो लेयर रहता है वो हाथ में चिपकेगी नहीं। तो आप जब भी केला को कट करते थोड़ा सा ऑयल ज़रूर लगाइए। तो आज मैं 5 केले का चिप्स बनाऊंगी। 5 केला का मैंने छिलका हटा लिया है, मैं पतले वाले पर कट करूंगी। अगर आप मोटे वाला खाना चाहते हैं तो मोटे वाला पर भी कट कर सकते हैं, मोटे वाला में थोड़ा टाइम लगता है। तो आज मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ तो पतले वाला पर मैं कट करूंगी। केले को कट करने से पहले मैं घोल तैयार करूंगी, तो उसके लिए मैंने एक बाउल लिया है, 1 कप में पानी ऐड करूंगी, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच नमक, आप अपना अकॉर्डिंग नमक ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ ताकि नमक अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद मैं केला को कट करूँगी, तो मैं पतले वाला पर ही केला कट कर रही हूँ। चिप्स के लिए मैं आज बच्चों के लिए बना रही हूँ तो पतले वाला पर ही कट कर रही हूँ। तो देखिए मैं कितना पतला कट कर रही हूँ, देख सकते हैं बहुत ही पतला कट हो रहा है मेरा। तो मैं पहले 2 ही केले को कट करूँगी, क्योंकि मैंने 500 ग्राम ही ऑयल ऐड किया है, तो उसी हिसाब से मैं पहले 2 केले को कट करूँगी। केले को कट करके आप कभी भी मत रखिए, इससे क्या होगा आपका केले का कलर डाउन हो जाएगा, ब्लैक टाइप में हो जाएगा। तो मैंने 2 ही केला कट किया है, इसको मैं फ्राई करूँगी। तो मैं ऑयल मीडियम फ्लेम पर गर्म हो गया है, ज़्यादा मैं गर्म नहीं करूँगी, देखिए मैं चेक कर लेती हूँ, क्योंकि बनाना चिप्स बनाने के लिए ऑयल ज़्यादा हीट नहीं होना चाहिए, मीडियम में ऑयल रहना चाहिए। तो देखिए मेरा मीडियम है, तो मैं इसमें केला ऐड कर रही हूँ। अब मैं गैस को थोड़ा हाई कर देती हूँ, इससे आपकी चिप्स बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। बनाना चिप्स फ्राई करने में 2 से 3 मिनट टाइम लगता है, तो इसको आप 2 से 3 मिनट तक टाइम के हिसाब से भी फ्राई कर सकते हैं। ये नमक वाला पानी इसलिए डालते हैं ताकि ऑयल का टेम्परेचर कम हो सके और आपकी चिप्स बहुत ही क्रिस्पी बने, जिससे बच्चे आसानी से खा सकें। बच्चे लोगों को बनाना चिप्स, आलू चिप्स बहुत ही पसंद रहता है, तो आप लोग अपने घर पर जरूर ट्राई करें। तो इस तरीका से हम चिप्स को फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए मेरा चिप्स फ्राई तो हो गया है, इसमें पानी का आवाज़ भी बंद हो गया है, तो मैं चेक कर लेती हूँ। तो देखिए इसका कुरकुरापन साफ नज़र आ रहा है, अच्छे से टूट भी रहा है, तो मेरा चिप्स हो गया है। तो इसको मैं निकाल लेती हूँ, कलर भी इसका देख सकते हैं चेंज हो गया है, तो मैं इसको निकाल लेती हूँ दूसरे छन्ना से। तो चिप्स का सॉन्ग अच्छे से आप लोग को सुनाई दे रहा होगा, कितना कुरकुरा लग रहा है, देखिए मैं फिर से तोड़ कर दिखा देती हूँ आप लोग को, देखिए कितना कुरकुरा बना है केला चिप्स बनाना चिप्स। इसको मैं एक पेपर पर निकाल लिया है। तो सेम प्रोसेस से मैं दूसरा भी फ्राई कर लेती हूँ। तो बनाना चिप्स ऐड करने से पहले ऑयल को मैंने मीडियम करके रखी हुई थी, मीडियम ऑयल में मैंने चिप्स ऐड किया, उसके बाद मैंने गैस को हाई कर दिया, 1 मिनट मैंने ऐसे ही पकाया, उसके बाद मैंने घोल ऐड किया, उसके बाद मैंने 1 मिनट और पकाया, तो मेरा चिप्स तैयार हो गया। तो देखिए इसी प्रोसेस से आप पूरा चिप्स फ्राई कर ले, बच्चों के लिए चिप्स बहुत ही अच्छा बनता है, तो आप लोग अपने घर पर जरूर ट्राई करें। तो मैं दिखा देती हूँ, मैंने पूरा फ्राई कर लिया है, तो देखिए किस तरह से ये कुरकुरा लग रहा है, तो इसको मैं तोड़ कर दिखा देती हूँ। तो देखिए ये आसानी से टूट गया, तो आप लोग अपने घर पर जरूर ट्राई करें। अगर अच्छा लगा वीडियो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों। तो बच्चों के लिए चिप्स तैयार है। अगर आप लोग तीखा खाना पसंद करते हैं तो गरम चिप्स लिया है मैंने 2 मुट्ठी,
उसमें हाफ चम्मच मिर्ची ऐड कर रही हूँ, हाफ चम्मच मरीच ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा पास्ता मसाला। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। तीखा खाने के लिए मसालेदार चिप्स तैयार है। आप लोग अच्छे से गरम गरम शाम के नाश्ते में बनाना चिप्स ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा शाम के नाश्ते में। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग को कमेंट में लिखकर जरूर भेजें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। बहुत ही मेहनत से मैं वीडियो बनाती हूँ। थैंक यू।